स्किन केयर कैसे करें, अपने फेस की ग्लो हम कैसे बचा के रखें, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और हर इंसान इस चीज़ को लेके बड़ा सतर्क है कि मेरी स्किन का ग्लो बरकरार रहे, मैं जल्दी से बूढ़ा ना हो जाऊं, या जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरी स्किन ख़राब ना हो जाए। आपको स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही इलाज या कोई भी नेचुरल थेरेपी या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको नुकसान भी कर सकता है। तो अगर आपकी स्किन शाइनी है, स्मूथ है, क्लियर है, तो ये नॉर्मल स्किन है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीजी है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती है, चिपचिपी रहती है, तो इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपकी स्किन स्केली है, ड्राई है, रफ़ है, इची है, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आपको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, इवन आपको साबुन यूज़ करने से भी अगर एलर्जी होती है, रैशेज आते हैं, रेडनेस आ जाते हैं, इचिंग होने लगती है, तो ये मान के चला जाए कि फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर लिया तो वो आपके चेहरे को बिगाड़ सकता है। और जो लास्ट होता है वो तो कंबाइंड या मिक्स्ड स्किन, तो एक ही फेस पे हो सकता है आपकी दो तरह की स्किन हो, एक तरफ ड्राई स्किन हो, एक किसी एरिया पे ऑयली स्किन हो। तो आपको अपनी स्किन केयर के लिए दो तरह के रूटीन करने की ज़रूरत होती है। एक मॉर्निंग रूटीन होता है, एक नाइट रूटीन होता है, और वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए आपको ध्यान से पूरा रूटीन समझने की ज़रूरत होगी। मॉर्निंग रूटीन में चार चीज़ें करनी ज़रूरी होती है, जिसमें सबसे पहला होता है क्लींजिंग, दूसरा होता है टोनिंग, तीसरा होता है मॉइस्चराइजेशन, और फोर्थ होता है सनस्क्रीन एप्लीकेशन। जो क्लींजिंग है वो आपके फेस से जो डर्ट है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको क्लीन करने में मदद करता है। टोनिंग जो है वो आपकी स्किन की पीएच को मेंटेन करके रखता है, सो दैट आपकी स्किन का ग्लो बना रहे। मॉइस्चराइजेशन जो है वो आपके स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, और उससे आपकी जो स्किन है उस पर शाइनिंग बरकरार रहती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सनस्क्रीन एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़रूरी होता है सुबह के रूटीन में, वो आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब आप घर वापस आते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी दूसरे काइंड ऑफ ट्रीटमेंट की, जिसको हम नाइट रूटीन के नाम से जानते हैं। नाइट रूटीन में भी आपको चार चीज़ करने की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहला रूटीन है नाइट का, वो होता है कि आपने जो भी मेकअप यूज़ किया है या जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, तो उसको आप सबसे पहले रिमूव कर दें। उसके बाद आप क्लींजिंग का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आपको सीरम एप्लीकेशन या स्पॉट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हर एक एज के लिए स्किन के हिसाब से अलग अलग तरह के सीरम आते हैं, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से भी सीरम का इस्तेमाल करें। इसको रात में यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये स्किन को रिपेयर करता है रात, और स्किन के फंक्शन को रिस्टोर करेगा। तो सीरम एप्लीकेशन आप रात को ही करें, और जो लास्ट स्टेप होता है नाइट केयर का, वो होता है मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन भी क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रात में सोएंगे तो आपकी स्किन से एवोपरेशन होता है, जिससे उसका पानी निकलने का डर बढ़ जाता है। तो मॉइस्चराइजेशन इस एवोपरेशन को कम करता है, जिससे आपकी स्किन का हाइड्रेशन और शाइनिंग बरकरार रहती है, और सुबह आप तरोताज़ा उठ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और किस तरह के प्रोडक्ट्स से आपको बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। और अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको क्लींजिंग करना चाहिए फोम क्लींजर्स के साथ। आप घर पे बने क्लींजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बड़ा कॉमन है कि आप हनी और लेमन जूस मिला के उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला लें, इसको भी आप क्लींजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और आप यूज़ कर सकते हैं जैसे बेसन है, या इस तरह का चीज़ें भी आप पेस्ट में मिला के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स ही चाहिए, क्लींजर्स चाहिए, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें ये जो सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं वो होने चाहिए, जिसमें बेंजिल परोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विच हेजल। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छे होते हैं क्लींजर्स के तौर पे। दूसरा, आपको दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार अपना फेस वॉश करना चाहिए। कोशिश करें कि सोप बेस्ड फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आपका ऑयल कम हो जाए स्किन से। उसके बाद बात आती है आपकी मॉइस्चराइजर्स की। मॉइस्चराइजिंग के लिए आप सिर्फ वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का ही यूज़ करें, और जो भी आप स्किन प्रोडक्ट्स खरीदते हैं ये ध्यान रहे कि वो ऑयल फ्री हो। और जो आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है, ख़ासतौर से ऑयली स्किन वाले लोगों को, वो ध्यान रखें कि उसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन ट्रीटमेंट के बारे में। ड्राई स्किन खुरदरी होती है, रफ़ होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है उसका टोन एंड टेक्सचर मेंटेन करने के लिए। तो आप ऐसे क्लींजर्स यूज़ करें जो सोप बेस्ड ना हो, क्योंकि सोप जो है वो स्किन से नेचुरल ऑयल को निकाल देता है। तो इसलिए आप ऐसे क्लींजर्स यूज़ करें जो सोप फ्री हो, या उसके अलावा आप घर पे बना भी क्लींजर यूज़ कर सकते हैं,
जिसमें आप ऑलिव ऑयल, मिल्क और रोज़ वाटर को मिला के एक क्लिंजर बना सकते हैं। ये ड्राई स्किन के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो रात को आप इस क्लिंजर से आप क्लिंजिंग कर सकते हैं या कोई भी माइल्ड क्लिंजर से आप रात को क्लिंजिंग करके सो सकते हैं। और सुबह उठ के सिर्फ सादे पानी से ही फेस वॉश करें, कोई साबुन या इस तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें जो सोप बेस्ड हों। और आप ऐसे ही स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो पैराबिन्स, कोलोरेंट्स और अल्कोहल फ्री हों, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए नुकसान देने वाले केमिकल्स होते हैं। मॉइस्चराइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है इस ड्राई स्किन के मरीजों के लिए या जिनकी स्किन ड्राई है, तो आप मॉइस्चराइजेशन ज़रूर करें। और ध्यान रखें कि जब भी आप फेस वॉश कर रहे हैं या बैथिंग कर रहे हैं, विदिन 3 मिनट आपको मॉइस्चराइजेशन करना चाहिए सो दैट आपकी स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रहे। सेंसिटिव स्किन केयर में क्या करना चाहिए? सेंसिटिव स्किन केयर में आपको बड़ा केयरफुल होना चाहिए। आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करें, चाहे वो कोई होम रेमेडी ही क्यों ना हो, जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो या जिसको लगाने से कभी आपको रेडनेस, इचिंग या इस तरह की चीज़ें सामने आई हो। आप नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। इसमें आप हल्दी, रोज़ वाटर, हनी मिला के एक क्लिंजर बना सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप इससे भी आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इस प्रोडक्ट को भी यूज़ नहीं करना है। आप सिंपल सादे पानी से ही अपने फेस को वॉश करें। उसके अलावा आप ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो ब्लड प्योरीफायर का काम करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं और आपकी जो स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो सुधर जाती है। उसके अलावा वाटर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करें। और खाने पीने में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप इस तरह की खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें जिनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिले। विटामिन सी का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि उस तरह के प्रोडक्ट्स के आसपास ना जाए जिनसे आपको एलर्जी होती है। स्किन केयर के कुछ जनरल रूल्स भी हैं। आपको दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, ब्लड प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए, विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करें कि आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स जब देता है तो उससे आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं और स्किन का ग्लो बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पर मिलते रहे। थैंक यू।